प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रितु सुमन। मोदी की रैली से पहले बंगाल में विस्फोट हो गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमले किए गए हैं। घटना देर रात साउथ 24 परगना के रामपुर गांव में घटी है। घटना के बाद इलाके में काफी दहशत है। घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के करीब 6 कार्यकर्ता एक शादी समारोह से लौटकर घर जा रहे थे। इसी दौरान किसी ने बम से उन पर हमला किया। बम अटैक की इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है। यहां सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बंगाल की जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी अकेले बंगाल में 20 रैलियां करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद 7 मार्च को कोलकाता में मोदी की सबसे बड़ी रैली यानी पहली सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इन रैलियों को इस तरह से सुनियोजित किया है जिससे पश्चिम बंगाल और असम के ज्यादातर इलाकों को कवर किया जा सके। दरअसल इन दोनों राज्यों में नरेंद्र मोदी की रैलियों की भारी डिमांड है। मोदी के बाद बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां कराने की मांग है। योगी भी आने वाले दिनों में यहां कई रैलियां करते नजर आएंगे। पीएम मोदी की रैली से पहले बंगाल में विस्फोट ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहे प्रभात खबर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।